हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फेस्टिव सीजन ऑन है और हम सब चाहते हैं कि फेस्टिवल्स पे या गेट टुगेदर पे हम सबसे ज़्यादा अच्छे लगें। बट आपका आउटफिट कितना भी अच्छा हो, आपका मेकअप कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं होगी, ग्लोइंग नहीं होगी, ब्राइटन अप नहीं होगी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होममेड ब्लीच, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इसका रिजल्ट आएगा बिल्कुल मार्केट वाली ब्लीच की तरह। गाइज, मैं मार्केट वाली ब्लीच के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बट बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। अगर आप वंस अ वाइल करते हैं, यानी कि महीने दो महीने में एक बार करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बट आप उसे रेगुलरली नहीं कर सकते हैं। मैं आज जो होममेड ब्लीच आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप वीक में वंस या ट्वाइस कर सकते हैं। ट्वाइस भी कर सकते हैं क्योंकि सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध, यानी ये मिल्क बॉयल किया हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन का जूस। लेमन का जूस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट लेमन जूस कच्चा दूध में डालने से दूध फट जाता है और इसका लैक्टिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, मिल्क कर्डल होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टमाटर का रस। आप चाहें तो टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। टमाटर का रस आपको नहीं डालना है तो आप आलू का रस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून हम लेंगे चावल के आटे का, यानी राइस फ्लार का। आप चाहें तो इसे रेडीमेड ले सकते हैं या फिर घर पे चावलों को ग्राइंड करके राइस फ्लार बना सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैं लूँगी ऑरेंज पील पाउडर का, यानी सूखे हुए संतरों के पाउडर का। इसे आप स्किप कर सकते हैं, बट पोटैटो जूस इसकी जगह पे ज़रूर डालिएगा, वरना फिर ये ब्लीच काम नहीं करेगी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ब्लीच की तरह इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए। अगर आपसे ये पतला बन गया है तो आप थोड़ा सा राइस फ्लावर और ऐड कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले जो बचा हुआ हमारा कच्चा दूध था, इसमें कॉटन डिप करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कच्चा दूध एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर है दोस्तों। अगर आप कोई फेस वॉश या कुछ नहीं भी यूज़ करते हैं और डेली कच्चे दूध से अपने फेस को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका फेस बिल्कुल क्लीन रहेगा, बिना किसी डार्क स्पॉट्स के, ऑयलीनेस के या किसी भी कोई प्रॉब्लम के। 1 मिनट तक आपको कच्चे दूध से अपने फेस को क्लीन करना है। अपने फेस, नेक और ईयर्स को, तीनों को साथ में क्लीन करें ताकि तीनों एक जैसा रहे। आप चाहें तो दोबारा से कॉटन बॉल को मिल्क में डिप करके और फिर से एक बार क्लेंस कर लें। और ये प्रोसीजर तो आपको रात को सोने से पहले भी करना चाहिए गाइस, क्योंकि कच्चे दूध से आप क्लीन करेंगे तो आपके फेस पे कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेगी। इसके बाद इस होममेड ब्लीच को हम अप्लाई करेंगे। अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लें, एक हल्की सी लेयर। और इसके बाद हमें 2 मिनट तक मसाज करना है। दोस्तों, मैंने इसमें डाला है कच्चा दूध, वो भी नींबू डाल के, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी आप ट्राई करेंगे, सिर्फ अगर आप कच्चा दूध भी ट्राई करेंगे नींबू डालने के बाद, तो आप देखेंगे आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। नेचुरल क्लिंजर होता है कच्चा दूध। साथ ही साथ मैंने ऐड किया है ऑरेंज पील पाउडर, टोमेटो जूस, जो हमारी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, लाइटन करता है। अगर आप पोटैटो जूस डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। राइस फ्लावर तो आप सबको पता है कि कितना बढ़िया एक्सफोलिएटर होता है स्किन वाइटनिंग के लिए, डेड स्किन रिमूवल के लिए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए। राइस फ्लावर तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को लाइटन, वाइटन एंड ब्राइटन अप करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को हटाता है। किसी भी तरह का आपको पिगमेंटेशन हो गया है तो समय के साथ वो भी फेड हो जाते हैं, और जो पिंपल्स होने के बाद डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं वो भी लाइटन अप हो जाते हैं। तो 2 मिनट तक मसाज करने के बाद एक अच्छा लेयर आपको लगा लेना है, जैसे आप ब्लीच लगाते हैं। और इस ब्लीच को हमें रखना है 10 मिनट तक के लिए। ये कोई केमिकल वाली ब्लीच नहीं है कि हमें 2 से 3 मिनट में हटा देना है। और आपको कोई डर भी नहीं है कि आपको ब्लीच रिएक्ट करेगी, या आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। यही खासियत है होममेड ब्लीच की।
इन सारी चीज़ों में इतनी अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आप मार्केट से ब्लीच करा के आ रहे हैं। चलिए 10 मिनट के बाद मैं आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, नॉर्मल वाटर से वॉश किया है। इसके बाद आपको कोई सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, सच बताऊं तो मार्केट वाली ब्लीच से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। मेरा फेस इतना ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग एंड सपल हो गया है, आप देख सकते हैं। मेरे फेस पे रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हैं, बट अगर आप इसे खुद अप्लाई करेंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। 100% गारंटी दे सकती हूँ मैं इस बात की। आई एम इन लव विथ माई स्किन। कितनी बढ़िया, कितनी सॉफ्ट एंड सपल एंड ग्लोइंग लग रही है। और किसी भी तरह के मॉइस्चराइज़र की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने से इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप ट्राई करेंगे और कमेंट करके आके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी स्किन से सारी डर्ट, सारा टैन हटा के आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन अप कर देगी, लाइटन कर देगी और वाइटन कर देगी। उम्मीद है आज का ये DIY ब्लीच आपको पसंद आया होगा। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मार्केट वाली ब्लीच आप भूल जाएंगे। इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो जूस का यूज नहीं किया है। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है तो उसे आप पोटैटो जूस से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।